ने बेसिक पुलिसिंग पे जो हमारी नीति रही है उस पर भी हमने ध्यान दिया, और यही कारण है कि उन सभी संवेदनशील स्थानों में जहां कुछ संभावना थी पहले, उन सबों पर हमने पेट्रोलिंग किया है, स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट किया है, और खासकर सोशल मीडिया पे हमने काफ़ी नज़र रखी है। और यही कारण है कि लगभग 21-22 स्थानों पर हमने इंटरनेट की सेवाएं टेम्पररली बाधित कर दी हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो, हम नहीं चाहते कि अफवाहों का बाजार गर्म हो। और यही कारण है कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमने सोशल मीडिया पर ये नज़र रखी है। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो हमारे जहाँ जहाँ जिन जनपदों में हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं, जहाँ मुकदमे दर्ज हुए हैं, हम नहीं चाहेंगे कि कोई इनोसेंट व्यक्ति को हम गिरफ्तार करें, उसे परेशान करें और हमारी पुलिस उसमें भागीदारी करें। यही कारण है कि हमने हर एक जनपदों में जहाँ जहाँ ये घटनाएं हुई उनमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाया है, विच विल बी हेडेड बाई SP रैंक ऑफिसर, और SP क्राइम उसको देखेंगे, सुपरवाइज करेंगे। एविडेंस बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होगा, जहाँ पे हमें कौन कौन से एविडेंसेस मिल रहे हैं, एविडेंसेस किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, फिजिकल हो, पिक्चोरियल हो, कई वीडियो फुटेजेस के माध्यम से हम उनको ले रहे हैं, और कोई भी व्यक्ति जो इसमें लिप्त है उसे बख्शा नहीं जाएगा। यदि हम इनोसेंट को नहीं छू रहे हैं तो साथ ही साथ हम इन्वॉल्व पर्सन्स को भी नहीं स्पेयर करेंगे। और यही कारण है कि हमने बहुत सारे संगठन के एक्टिव मेंबर्स को गिरफ्तार किया, चाहे वो PFI हो या SDFI हो, या फॉर दैट मैटर उन पोलिटिकल पार्टीज